सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, बुक्स क्लोज, तो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी अगर हमारे को दी, क्योंकि बुक क्लोज हो चुकी है। डिस्कवर क्या किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2014 एंड 15, 2015 और 16, मतलब 2 सालों का क्रेडिट कर दिया गया पार्टनर के अकाउंट में। कहता है पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई प्रोविजन नहीं था, फिर भी आपने 2 सालों का लगातार इंटरेस्ट उनके खाते में डाल दिया है। अमाउंट कितना आपने डाला है, ये डाला है ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में, 2014-15 के लिए और 2015-16 के लिए। ठीक है, वापस मंगवा लेंगे अगर आपने बाई मिस्टेक डाल दिया है। अब कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पुट एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, कब, 1 अप्रैल 2016 के अंदर। कहता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 2014-15 की अलग थी और 15-16 के लिए अलग थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अज्यूम करोगे कैपिटल क्या थी हमारी, फिक्स थी, कैपिटल फिक्स थी, तो सारी एंट्री किसके थ्रू होंगी, ये करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करोगे, टू टेक बैक, क्या लिखोगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कौन सेगा, 2014-15 प्लस 2015-16, मतलब एक ही साथ मंगा लेते हैं क्योंकि पता तो है ही हमें कितना दिया हुआ है। ए को दिया है 350 प्लस 360, तो टोटल कितने हैं, अलग अलग मंगा लो, चलो क्या दिक्कत है, 2014-15 के लिए और 2015-16 के लिए। ठीक है ना, 2014 के लिए कितना लेके आएगा, ये लेके आएगा 350, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना लेके आएगा, 360, कौन लेके आएगा, ये ए, ये बी, ये सी, इनके अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। सेकंड ईयर के लिए कितना है, बी कितना लेके आएगा, ये लेके आएगा 200 और ये 210, ठीक है ना, फिर कितना लेके आएगा, ये 110 और यहाँ पे कितना लेके आएगा, ये 110, तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे को, 350 प्लस 200 प्लस 100, 350, ठीक है जी, 350 प्लस 200 प्लस 110, तो मेरे पास आ गया 660। नेक्स्ट कितना हुआ, 360 प्लस 210 प्लस 110, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 680। दोनों सालों का प्रॉफिट है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये 2014-15 की है और ये 2015-16 की है। रेशियो क्या है, 1-1-1, फर्स्ट ईयर की है 1:1:1, सेकंड ईयर की क्या है, 3:4:3, ठीक है, 1-1-1 इक्वल बांट लो, तो 160, 110, 110 कितना आएगा, चलो देख लेते हैं, 3660, 660 डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 220 आएगा, तो डाल दो 220, 220, ठीक है, और यहाँ भी कितना डाल दो, 220, 660 आपका चला गया। नेक्स्ट दूसरे ईयर की बात है, 380 है, कितना है, 680, 680 को कितने से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3, 4, 7, 7 और 3, 10, डिवाइड करो कितने से, 10 से, तो कितना आएगा, इनसे में 68 रुपये आ जाएंगे, तो 68 रुपये कितने देने हैं, 3 हिस्से 1 को देने हैं, 68 रुपये, 68 × 3, तो ये कितना आएगा, 204, किसको देने हैं, इसको देने हैं 204 और इसको भी कितने देने हैं, ये 204 देने हैं, ठीक है, इसको भी 204 दे दो, बाकी कितने बच गए, ये आ गए 68 × 3, ठीक है, अब कितने देने हैं, 3 इनसे देने हैं, 3 तो दे चुके हैं, 4 देने हैं, × 4, ठीक है, 272, तो इसको कितने दे देंगे, 272, ठीक है, अब क्या करो, आप टोटल करो इनका, ठीक है, टोटल करो, टोटल यहाँ पर कितना आएगा, 680, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 660 प्लस 680, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1340, ये भी कितना हो जाएगा, 1340, ये कितना हो जाएगा, 424, ये कितना हो जाएगा, 0 2 2, 220, ये कितना हो जाएगा, 2 9 और ये 4, ये कितना हो जाएगा, 0 1 4, ये कितना हो जाएगा, 4 5,
टू फोर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना था 350 था, 0, 5 और 6, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 561, ठीक है, 336, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ तो क्या है सेम है, यहाँ कितने का फर्क है, यहाँ है 424, ठीक है ना, माइनस क्या करोगे आप 220, ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 204, यहाँ कितना आ जाएगा 204, किसकी वजह से आएगा ये आएगा क्रेडिट की वजह से, यहाँ कितना है, ये है 492, ठीक है, 592, ठीक है, माइनस कितने करोगे 410, तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 82, ये किसकी वजह से आएगा, क्रेडिट की वजह से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 710, 710 माइनस क्या करोगे 424, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा मेरे पास ये आएगा 286, और ये किसकी वजह से आया, ये डेबिट की वजह से। तो एंट्री क्या पास करोगे, डेबिट में क्या क्या डालोगे, एक ए कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट क्यों डील करो, क्योंकि कैपिटल क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है, कितने से, ये आएगा 286 से, और किसको डेबिट करना है, सभी को क्रेडिट करना है, तो क्या लिखेंगे 2B करंट अकाउंट, कितने से 82 से, 2C करंट अकाउंट कितने से, ये आ जाएगा 204 से, ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा दोनों का मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।